नमस्ते। नेसल बोन फ्रैक्चर, ये पिक्चर देखिए, इसमें नेसल बोन्स है। आपको इधर एक नेसल बोन मिलेगा, ये साइड में एक नेसल बोन मिलेगा, दो एक पेट स्ट्रक्चर होता है। नीचे जो है कार्टिलेज है, कार्टिलेज मतलब ये कार्टिलेज है, ये भी कार्टिलेज है, ऊपर बोन है। नेक्स्ट पिक्चर में एक स्कल का पिक्चर है, उसमें नेसल बोन्स बताया गया है। अब फ्रैक्चर का रीजंस क्या है? एक असॉल्ट हो सकता है, नहीं तो स्पोर्ट्स इंजरी हो सकता है, फॉल एट होम हाउस होल्ड इंजरी हो सकता है, बाहर फॉल भी हो सकता है, नहीं तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। तो इसके बाद पेशेंट का कंप्लेन जो होता है कि ये कारण है फ्रैक्चर हो गया, सॉरी एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद नाक से खून बह रहा है और नाक बंद हो गया, ये रहेगा उनका कंप्लेंट। एग्जामिन करेंगे, पेशेंट को देखेंगे तो नाक के ऊपर फुल सूजन रहेगा, आंख के नीचे लाल रहेगा, आंख के अंदर भी खून घट सकता है, लाल होने का चांसेस है, और बाहर कंप्लीटली डेसल डिफॉर्मिटी भी हो सकता है, दिखने का चांस है। कभी कभी क्या होता है कि सूजन ज्यादा है तो डिफॉर्मिटी दिखता नहीं। तो एग्जामिन करने के टाइम में हम इधर डेसल बोन के ऊपर ऐसा टच करके देखेंगे तो फ्रैक्चर है तो वो पार्ट थोड़ा हिलेगा और थोड़ा आवाज भी करेगा, उसको क्रिपेटस बोलते हैं। सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी देखना चाहिए, नाक के अंदर भी देखना चाहिए कि अंदर का ब्रिज जो है एक साइड हिला कि नहीं। कभी कभी क्या होता है, ये जो नेसल सेप्टम है तो पार्टीशन है तो ब्रिज जो है उसके ऊपर खून जमा हो जाता है, ये कंडीशन है तो उसी दिन उसी वक्त एडमिट करना पड़ेगा, नहीं तो नेसल बोन फ्रैक्चर के लिए हम वेटिंग पीरियड 5 नहीं तो 10 दिन वेटिंग पीरियड देते हैं। उसका कारण भी मैं बताऊंगा। तो ये हुआ एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन देखेंगे। एग्जामिनेशन में ज्यादा देर ये पता चल जाता है कि फ्रैक्चर है कि छीने के टाइम में आवाज भी करता है और हिलता भी, कंफर्म हो गया। एक्सरे से रिकन्फर्म कर सकते हैं, ये नॉर्मल एक्सरे है जो नेसल बोन नॉर्मल है, और सेकंड एक्सरे में ये देखो नॉर्मल एक्सरे है और डिस्प्लेस हो गया, ये फ्रैक्चर होके नीचे निकले, दो सेपरेट हो, तो श्योर ये पेशेंट में बाहर डिविएशन भी हो सकता है। सीटी स्कैन मस्ट है, मस्ट नहीं है, अगर जो हम दूसरा फ्रैक्चर्स कुछ है सस्पेक्ट करते हैं तो फ्री सीटी स्कैन चाहिए, नहीं तो नेसल सिर्फ नेसल बोन फ्रैक्चर के लिए नहीं चाहिए। ये नॉर्मल सीटी स्कैन है और ये सीटी स्कैन विद फ्रैक्चर है, और ये सीटी स्कैन 3D है, इसमें फ्रैक्चर दिखता है। एंड लास्ट डॉक्यूमेंटेशन के लिए फोटोग्राफ भी चाहिए, नहीं अभी ट्रीटमेंट दो करके, एक इमीडिएटली जब एक्सीडेंट के बाद आता है, हादसे के बाद हम आ रहे हैं तब हम क्या क्या करें, तब हम आपको एक कोर्स एंटीबायोटिक और पेन किलर और नेसल ड्रॉप्स देंगे, और ये एडवाइस किया जाएगा कि आप अगले 5 दिन तक दिन में 3 बार सुबह में दोपहर में रात में आइस रखना है नाक के ऊपर और फौरन उसके ऊपर गर्म भी रखना है, पहले आइस रखना है 3 मिनट के लिए, उसके बाद गर्म रखना है, फिर आइस रखना है फिर गर्म रखना है, फिर आइस रखना है फिर गर्म रखना है, ऐसा 3-3 बार करके, सुबह में 3 बार, दोपहर में 3 बार, रात में 3 बार करना है 5 दिन के लिए, जब तक आप हमारे पास आते हैं तब तक करना है। ये हुआ आपका फर्स्ट इंस्ट्रक्शंस, और अब 5 दिन नहीं तो 10 दिन के अंदर आना है। अगर जो डिले हो गया तो क्या हुआ, डिले नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिले हो गया तो जो फ्रैक्चर नेसल बोन है वो फ्यूज करने के लिए स्टार्ट हो जाता है 3 हफ्ते में, और कंप्लीटली फ्यूज हो जाता है 8 हफ्ते में। तो प्लीज डिले मत करना, जब डॉक्टर आपको बुलाता है उसी टाइम में आके आपको दोबारा मीट करना पड़ेगा 5 नहीं तो 10 दिन के अंदर, जब तक आपका सूजन कम हो जाता है, आपको पेन किलर मेडिसिन भी मिला और आइस और गर्म रखने का एडवाइस भी मिला, इससे सूजन कम हो जाता है। जब सूजन कम होता है तो साफ दिखता है कि कान बाहर से टेढ़ा है कि सीधा है, टेढ़ा है तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसलिए अभी ट्रीटमेंट डिसीजन के लिए हम दो करके डिवाइड करते हैं, एक
फ्रैक्चर है बट बाहर से कुछ डिफॉर्मिटी नहीं है तो कुछ नहीं करना। दूसरा जो है फ्रैक्चर है बाहर से डिफॉर्मिटी है, नाक भींगा है और उसमें पेशेंट विलिंग नहीं है तो भी कुछ नहीं करना है। दूसरा फ्रैक्चर है डिफॉर्मिटी है पेशेंट विलिंग है तो उसको ऑपरेशन चाहिए। तो ऑपरेशन के लिए बाहर से डिफॉर्मिटी चाहिए और कभी कभी नाक के अंदर भी सेप्टम हिल जाता है, कभी कभी मैंने बताया। तो बाहर डिफॉर्मिटी है तो उसको जरूर ऑपरेशन करना पड़ेगा। अभी इसके लिए एडमिट करके भी कर सकते हैं, बिना एडमिशन भी कर सकते हैं। बिना एडमिशन जो है उसी टाइम में एनेस्थीसिया उधरी नाक में कॉटन रखे और तो अंदर से थोड़ा इंजेक्शन देके उसी टाइम में हम करके कर रिड्यूस करके मैनिपुलेट करके सीधा कर सकते हैं और 10-15 मिनट में पेशेंट घर पर जा सकते हैं। मेल पेशेंट्स 20 साल के ऊपर और 40 साल 50 साल वो एग्री हो जाते हैं और कॉपरेट भी ज्यादा करते हैं। बाकी जो पेशेंट्स हैं कॉपरेट नहीं करते हैं, उनको एडमिट करना पड़ता है। ये जो भी मैं बोल रहा हूं ये क्लोज रिडक्शन, क्लोज मतलब बिना इंसिशन कुछ खोले बिना हम ऑपरेशन, ये क्लोज रिडक्शन। ओपन नेसल बोन रिडक्शन सेपरेट टॉपिक है, ये क्लोज रिडक्शन के बारे में मैं बता रहा हूं। अभी एडमिशन आप एग्री हो गए तो कंसर्न लेंगे आपका और ये बताया जाएगा कि कंप्लीटली 100% ठीक नहीं होगा, समझो 70-80% ठीक हो जाएगा। और आपको कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स है तो फिजिशियन से मीट करना है और फिजिशियन क्लियरेंस के साथ आपको एनेस्थीसिया का डॉक्टर को जो डॉक्टर बेहोश करता है उससे मिलना है, वो भी क्लियरेंस करेगा और नेक्स्ट डे आपको ऑपरेशन समझो। ये फर्स्ट वाला मैनुअल रिडक्शन जो मैंने बताया था आपको पहले बिठा के उसी टाइम में करके उसी टाइम चलाएगा। दूसरा वाला एडमिट करके थिएटर लेके जाके इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से हम रिड्यूस करते हैं, ये पिक्चर है। समझो आपका ऑपरेशन ट्यूजडे मॉर्निंग, मंडे क्लियरेंस ऑफ मिल हो गया, मंडे नाइट में 12 बजे से कुछ नहीं खाना है, ट्यूजडे मॉर्निंग आपका ऑपरेशन है, थिएटर लेके जाएंगे, फुल ऑपरेशन कंप्लीट टाइम लेस देन 1 आवर, ऑपरेशन स्पेसिफिक 15 मिनट से 30 मिनट तक खत्म हो जाता है, बट एनेस्थीसिया चेकिंग वो सब करने के 1 घंटा लगता है सब मिला के। आप रूम आ जाएंगे 1.5 आवर्स के अंदर, उसके बाद 4 घंटा कुछ नहीं लेना है, कुछ नहीं पीना है, कुछ नहीं खाना है, आपका प्रॉपर पोजीशन रहेगा, नाक कंप्लीटली बंद रहेगा, बाहर एक स्प्लिंट रहेगा और एंटीबायोटिक मिलेगा, पेन किलर मिलेगा। नेक्स्ट डे अगले दिन आपका जो पैक रखा गया है वो दोनों पैक निकाल देंगे, नाक आराम से आप ब्रीथ कर सकते हैं, अभी रह गया बस एक्सटर्नल बाहर का स्प्लिंट। तो जब पैक निकालेंगे ना अगले दिन, उसी दिन आप घर भी जा सकते हैं, वो टाइम में आपको एंटीबायोटिक का कोर्स पेन किलर 5 दिन के लिए, नेसल ड्रॉप 3 ड्रॉप 3 टाइम 5 दिन के लिए, और बोला जाएगा कि 1 हफ्ते के बाद आ जाओ एक्सटर्नल स्प्लिंट निकालने के लिए। 1 हफ्ते के बाद जब आएंगे आपका ये स्प्लिंट निकाला जाएगा। ये स्प्लिंट रखते क्यों, इसलिए कि जो हमने मैनिपुलेट करके फिक्स किया उसको फिक्स करके बिठा के रखने के लिए, और दूसरों को ये रिमाइंड करेगा कि ये कुछ प्रोसीजर किया गया है कि इधर छीना मत, ये दो कारण से हम स्प्लिंट रखते हैं। 1 हफ्ते नहीं तो 10 दिन के बाद जब हम आएंगे ये स्प्लिंट भी निकाला जाएगा, हो गया प्रोसीजर। ये मेरा खुद का एक पेशेंट है जिसको प्रोसीजर उसी टाइम में चेयर में बिठा के एनेस्थीसिया उधरी देके मैंने कर लिया, ये प्री ऑपरेटिव है ये पोस्ट ऑपरेटिव, ही वाज वेरी हैप्पी, समझो ऑलमोस्ट 90% उसका हो गया, तो विद इन 15 मिनट्स वो घर चला गया, ऐसा भी हो सकता है। अभी क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस है, नेसल ब्लॉक हो सकता है, बंद हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है, कभी कभी ये जो डिफॉर्मिटी है वो हमने तो आपको 70-80% प्रॉमिस किया था, कभी कभी क्या होता है कि उतना नहीं मिलता, कभी कभी सिर्फ 50% है, जैसे कि ऑलरेडी पहले एक फ्रैक्चर हुआ था स्पोर्ट्स इंजरी जो बार बार होता है, उसके बाद ये सेकंड थर्ड इंजरी है, तो क्या होता है जितना हम एक्सपेक्ट करते उतना नहीं आता, तो ये एक्सटर्नल डिफॉर्मिटी उधरी रह जाता है 50%, वो दिखता भी खराब है। ऐसा पेशेंट ने फिर 6 महीने तो 1 साल वेट करके प्लास्टिक सर्जरी करना पड़ेगा, सिर्फ इसमें से नहीं होता।
अभी टेक होम मैसेज, क्या मैसेज? एक, फर्स्ट विजिट के बाद जब जाएंगे घर, डॉक्टर बोलेगा 5 दिन के बाद आओ, 10 दिन के बाद आओ, उस टाइम में भूलना मत वापस डॉक्टर को विजिट करने के लिए, क्योंकि सेकेंड विजिट में ही वो डिसीजन लेगा ऑपरेशन करना है कि नहीं फर्स्ट विजिट में। तो रीविजिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, वो वेटिंग पीरियड में और भी कुछ एक्सीडेंट हो ना जाए, केयरफुल रहना चाहिए। और अगर जो नाक बंद है, वो बढ़ता जा रहा है, वो दर्द भी कर रहा है, तो 5 दिन तक वेट मत करना प्लीज। फौरन नेक्स्ट डे डॉक्टर से मिलो और वो चेक करेगा कि नाक के अंदर सेप्टम मतलब पार्टीशन, नाक का पार्टीशन जो है उसमें खून जमा की नहीं, जैसे मैंने बताया था। ऐसा है तो इमीडिएट ऑपरेशन करना पड़ेगा। वो बोल जाए नहीं, डरने का कुछ नहीं है, सिर्फ आपको ड्रॉप्स लेना है, तो ठीक है, तो आप 5 दिन 10 दिन के बाद दोबारा चले जाएंगे। और आंख के नीचे लाल, आंख के अंदर करना मत, वो जाने में टाइम लगता है। आंख के अंदर जो ट्रोमा हुआ, खून घटता है, वो जाने में थोड़ा टाइम लगता है। स्किन का जो है जल्दी चला जाता है, 5 दिन 7 दिन लगा लो, अंदर जो है वो कभी कभी 1 हफ्ता 2 हफ्ता लगता है जाने में। अभी सेफ्टी मेजर्स, प्रिवेंटिव मेजर्स, कैसा नेसल बोन फ्रैक्चर हम प्रिवेंट कर सकते हैं। इसमें जब भी कार में जा रहे हैं, प्लीज सीट बेल्ट डालना मस्ट है। और स्पोर्ट्स है, एक्टिविटीज में है, तो जो भी आपको स्पोर्ट आपका कोच आपको बता रहा है सेफ्टी मेजर्स, वो जरूर फॉलो करें। बाइक में जा रहे हैं तो हेलमेट पहनना भूलना मत, और ऑफ कोर्स फिजिकल असॉल्ट से दूर रहना, अवॉइड करना प्लीज। ये हुआ आपका नेसल बोन फ्रैक्चर का ब्रीफ का वीडियो। थैंक यू सो मच।